विवेकानंद कोचिंग चैनल, मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। जैसे कि हम सभी को पता होगा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो रेखा खींची जाएगी वो होती है अक्षांश रेखा, और आपको देशांतर रेखा जो नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। जो खड़ी रेखा होगी वो हो गया आपको देशांतर, और जो परी रेखा दिख रहा होगा आपको ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गया। अब देखिए, मैं बता रहा था कि भारत जो है वो कहाँ पे है। तो भारत कहाँ है, ग्लोब में, ग्लोब के, अगर मैं आप इसको इसमें दिखाऊं थोड़ा, यहाँ पे देखो कि ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे सातों महाद्वीप के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप गौर करो कि भारत कहाँ पे है। भारत यहाँ पे है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पे है, तो भारत देखो कहाँ, यहाँ है, और 0 डिग्री आप देशांतर रेखा देख लो यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे है, तो भारत हुआ कहाँ भाई साहब। ये हो गया आपका क्या हो गया, पूरा पूरब, और ये हो गया आपका उत्तर, तो यहाँ पे भारत। तो 23.5 डिग्री, देखो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो खींची जाती है ना, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींची जाएगी, जो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध हुआ और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा अगर बात किया जाए तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ 0 डिग्री से ऊपर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा आपको दिख रहा होगा नीचे, तो इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा भारत से होकर के गुजर रही है, लेकिन मकर रेखा क्या भारत से होकर के जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री, ध्यान दो, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, 23.5 डिग्री यहाँ पे है, यही अक्षांश रेखा जो है ये कर्क रेखा है। तो आप ध्यान दो, पहला राज्य कौन सा हो गया, गुजरात, देखो 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है, देखो गुजरात क्या है, गुजरात। उसके बाद दूसरे आ जाइए आप किसके, गुजरात के बाद देखो ये कहां से होती है, राजस्थान में भी पूछती है, तो दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा देखो आप मध्य प्रदेश में भी जाती है, 23.5 डिग्री ये देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद तीसरा हो गया राज, चौथा देखो छत्तीसगढ़, कहां पे, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको झारखंड, ठीक है, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखो थोड़ा 23.5 डिग्री त्रिपुरा में भी आता है, ठीक है, बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा में घुसता है, उसके बाद मिजोरम। तो इस तरह से आप गिनो कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क, कितने ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड, उसके बाद छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो इस तरह से हम लोगों ने यह समझा कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, जैसे आपने अगर देख लिया है, अगर मैप देख लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला कौन सा राज्य, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप सभी को कि कर्क रेखा कहां कहां से होकर के गुजरती है, किन किन। चलो एक देखो, त्रिपुरा से रिलेटेड एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से बांग्लादेश है, और एकमात्र एक तरफ से जो है भारत की सीमा है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा, गौर करो, यहां से भी, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, एक बास कोण जो है इधर देखोगे तो त्रिपुरा टच कर रहा है आपका, कहां पे, असम को टच कर रहा है, अदरवाइज तीनों तरफ से बांग्लादेश ही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखोगे आप सभी कि ये जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो ये सीमा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, इस रेखा का नाम है शून्य रेखा। कौन सी रेखा, शून्य रेखा, याद रखना इस चीज को,
इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भारत और चीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप सभी आपने पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था कि भारत और चीन के बीच में 1914 में ही एक समझौता हुआ था, जिस समझौता का नाम, जो लाइन जो है खींचा गया था, उस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। लेकिन और बाद में जाकर के तिब्बत उबत जो है वो क्षेत्र जो है वो 1962 ईस्वी के युद्ध में जो है वो ले लिया गया था, बहुत सारे किलोमीटर तक अंदर आ चुका था, लेकिन भारत अभी भी जो है वो आपको कौन सी रेखा, तो ये मैकमोहन रेखा को ही भारत अपनी सीमा मानता है, ठीक है, जो 1914 में। अब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो किसको चीन और भारत को अलग करती है, ये लाइन कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच में है, तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सी राज्य, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल, भूटान और चीन के सीमाओं को मिलाने वाली रेखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों देशों से जो घिरी हुई जो राज्य है वो कौन सी है, गौर करो, कौन सी है, सिक्किम, गौर करो, एक देखो इधर से भूटान, इधर से नेपाल और इधर से चीन, इधर से चीन, बांग्लादेश कहाँ है, चीन है, ठीक है। ये तीन देश कौन कौन सा हुआ, भूटान, नेपाल और चीन, तीनों तरफ से जो गिरा हुआ है ये है आपका कौन, सिक्किम, यहां से एक और आपका इंपॉर्टेंट